पर्यावरण को लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े देश एक साथ बैठते हैं, माथापच्ची करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि भविष्य बहुत सुनहरा है नहीं पृथ्वी का। G20 के भी देशों में आपस में बैठक हुई, कोई नतीजा पर्यावरण को लेकर उस हिसाब का निकला नहीं। अदालतें हैं जो वो कहती रहती हैं कि जो टाउन प्लान्स हैं, जो कि किसी भी शहर के लिए जिन्हें बनाया जाता है, उन्हें एक बार फिर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, चुनौतियां बदल रही हैं। क्या उसके हिसाब से टाउन प्लान्स को भी बदलने की आवश्यकता है? हर साल जैसे ही बारिश का मौसम आता है, भारत में कोई ना कोई जगह इसी तरह की नजर आती है। 2005 में मुंबई का ये हाल था, 2015 में चेन्नई का, 2020 में हैदराबाद का, 2022 में बेंगलुरु का और 2023 में दिल्ली का। साल दर साल वही कहानी दोहराई जाती है। अरबों की संपत्ति का नुकसान होता है। क्या इसके लिए केवल बारिश जिम्मेदार है? क्या शहरों को बसाने से पहले जो प्लानिंग की जाती है उसने इन सारी चीजों का ध्यान रखा है? सड़कों पर पानी जमा न हो, पानी की वजह से सड़कें न धंसे, घरों में पानी न घुसने पाए, नालियां साफ सुथरी हों ताकि पानी बहकर निकले, लेकिन ये सब नहीं होता है। होता है तब जब बारिश हो जाती है और तब महसूस किया जाता है कि उस कचरे को साफ करने की जरूरत है जो इन नालियों को ब्लॉक कर रहा है और जिसकी वजह से शहरों में पानी ही पानी भर गया। 2022-23 में शहरी विकास का बजट 76,431 करोड़ रुपए था। 2016 से 2023 तक फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 3,680 करोड़ का बजट आवंटित। फिर बाढ़ की सूरत में शहरों का बुरा हाल क्यों हो जाता है? देखिए, बाढ़ के लिहाज से टाउन प्लान कोई स्पेसिफिक तो है नहीं अब तक, क्योंकि क्या है कि अब तक ये होता था कि भाई मानसून के दौरान बारिश आती थी और उसी 1.5-2 महीने का जो टाइम पीरियड था उसी को लेकर प्रिकॉशन ले लेते थे कि भाई जो आसपास के एरिया के लोग हैं तट से थोड़ा पीछे चले जाए, हटा दिए जाए। लेकिन स्पेसिफिक बाढ़ की दृष्टि से तो कोई प्लान बनता नहीं है हिंदुस्तान में, होना तो चाहिए। और अब जो स्थिति हो गई है कि अब दिल्ली में या देश भर में भी साल में 10 महीने बारिश होने लगी है, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे बारिश के जो अभी तक क्या होता है कि हम जो है वो करते हैं कि पानी भर गया तो जल भराव की नीति बनाई हुई है यहाँ पर, लेकिन अब क्या है कि जल भराव पर्याप्त नहीं है, अब बाढ़ के लिए भी नीति बनानी पड़ेगी और खासकर एवोकेशन ऑफ वाटर कैसे हो इसके लिए मास्टर प्लान में नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 50% से अधिक भारत की जलवायु संबंधी आपदाएं केवल बाढ़ के कारण है। 1990 से 2017 तक बाढ़ की वजह से 54.63 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2005 में मुंबई में बाढ़ आई, 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 2015 में तमिलनाडु में बाढ़ आई, 70,000 से 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 2018 में केरल में बाढ़ आई, 4.25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 2020 में हैदराबाद में बाढ़ आई, 670 करोड़ का नुकसान हुआ। ये एक शहरी नदी का दुर्भाग्य है कि पुल से गुजरते हुए लोग शायद इस बात को भी नहीं सोच पाते हों कि ये एक नदी है या फिर कोई नाला जो शहर के सारे कचरे का बोझ लिए बहती जा रही है। दरअसल डूब क्षेत्र होता है किसी भी नदी का, यानी कि वो इलाका जहां तक उसका बहाव जा सकता है, लेकिन अगर आप निर्माण देखें तो कहां वो बहाव और कहां वो नदी। इंसान जब निर्माण करे तो प्रकृति के अनुरूप करे, या फिर जो निर्माण करे उसके अनुसार प्रकृति को मोड़े, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि उत्तर प्रदेश में यमुना और हिंडन को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि जो नोएडा प्राधिकरण है, जो सिंचाई विभाग है और जिला प्रशासन है, वो सब इस बात को जांच रहे हैं कि डूब क्षेत्र में कहीं जमीन का को बेचा तो नहीं गया है। शायद देर बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आवश्यकता है कदम उठाने की। जानकारों का कहना है कि शहरों के डूबने की बड़ी वजह उन नदियों के बहाव पर इंसानी अतिक्रमण है। देखिए, आप अगर बाढ़ के संदर्भ में कह रहे हैं तो टाउन प्लानिंग करते हुए कुछ चीजें ध्यान रखी भी जाती हैं और कुछ और भी रखनी चाहिए। जो रखी जाती है वो ये है कि रिवर बेड पे 200 से 300 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और अब देखने में यह है कि बेड तो छोड़िए, रिवर के अंदर भी कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो
एक तो ये है कि रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, दूसरी क्या है कि जो गाद है उसकी, जो उसके तल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि गाद भरी हुई है, अब गाद को नियमित साफ करना होगा क्योंकि बरसात लगातार आती है, तो जो गाद है उसको नियमित सफाई करना जरूरी है ताकि जो उसकी जल की जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे। बाढ़ की समस्या दुनिया के कई देशों में, कुछ ने इससे निपटने के इंतजाम भी किए हैं। बैंकॉक की इस तस्वीर को देखिए, 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैली इस यूनिवर्सिटी की छत को एक फार्म में बदला गया है। छत पर बड़े बड़े पेड़ लगे हैं ताकि पानी को चैनलाइज कर सके। यूनिवर्सिटी के खाली मैदान को सेंट्रल पार्क की तरह डेवलप किया गया है। इस पार्क को खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि बाढ़ आने पर शहर का पानी बहकर यहां पर आ जाए और उस पानी को सोखा जा सके। इस पार्क में ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पानी सोखने के लिए बनाए गए हैं। बाढ़ से बचने के लिए कुछ खास इंतजाम किए जा सकते हैं, ऐसे इंतजाम कि बारिश का पानी शहर में न रुक कर जंगलों की तरफ जाए, फुटपाथ पोरस हों ताकि पानी उनसे होता हुआ नीचे नालियों में जाए, नालियों की साफ सफाई का काम नियमित रूप से किया जाए, फ्लड प्लेन पर निर्माण न किया जाए, नदी के किनारों और डूब क्षेत्रों के बीच इतनी जगह हो कि नदी आसानी से बह पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया ने 10 लेन के हाईवे को इसीलिए नष्ट कर दिया था ताकि उसके नीचे बहने वाली नदी को जगह मिल सके। बाढ़ से बचने के लिए जमीन के नीचे पानी स्टोर करने के लिए बड़े टैंक भी बनाए जा सकते हैं। टोक्यो में विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर टैंक है। एक और तरीका है ग्रीन रूफ बनाया जाए, यानी छतों पर पेड़ उगाए जाए ताकि पानी छतों से होता हुआ स्टोरेज तक जाए, शहरों में जल भराव या जल जमाव न हो। अगर आप देखें तो शहरों का जो निर्माण हुआ है उसमें अर्बन प्लानिंग, अर्बन आर्किटेक्चर को कम्प्लीटली दरकिनार करके शहरों का निर्माण हुआ है। पानियों के रास्ते में, जैसे हम कहते हैं कि नदी और नाले जहां से बहते थे उस रास्ते में हमने सड़कों का निर्माण किया है, हमने लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। तो मुख्य रूप से अगर हम नदी के स्वाभाविक प्रवाह को रोकेंगे तो जब ज्यादा प्रवाह होगा, जब हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा, तो बहुत ही एक सामान्य स्थिति है कि शहरों में पानी भरेगा और ये जो अवरोध हम पैदा कर रहे हैं अपने विकास की परिभाषा से, अपने विकास के की दौर से, जिसके कारण जो है हर जगह हम देख रहे हैं कि पानी का जमाव हो रहा है। भारत को अगर भविष्य में बाढ़ बारिश से हो रही बर्बादी को रोकना है तो कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग करना होगा।